ब्रज यात्रा 2013 सूरत वल्लभ बाबा जिनकी यात्रा आज बहुलावन में आई है और ये बहुलावन बैठक की छवि है। काफी बड़ी जमीन के अंदर में ये बहुलावन की बैठक जी का विस्तार है और मुखिया ने यहाँ पर वैष्णवों से सहयोग से लेकर के काफ़ी नव निर्माण भी किया है। बैठक इस वक्त तरक्की के कगार पर खड़ी हुई है, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ बैठक जी थी। ये यहाँ तपेली की तैयारी आ चुकी है, तपेली दरोगा हैं राम बाबू। ये महाप्रभु जी की बैठक है, ये यात्रा के वैष्णव हैं जो कि यहाँ पर सतोया से चलकर के पवन जी कितने वैष्णव हैं आपके पास? हमारे 200 करीब आदमी। 200 करीब। कितने बजे चले थे आज? सुबह साढ़े चार बजे। तमे लोगों अही हाली ने आयवा केवो लागे छे तमने? हाली ने जाई केवो लागे छे ब्रिज मा तमारे? सारी लागे छे ने। जानी इनका उत्साह देखने के लिए बनता है और इनको सुबह 4:30 बजे पे लगे थे और ये 6:30 बजे के अंदर में यहाँ सतोया से बहुलावन तक पहुँच चुके थे। ये सामने अपरस के लिए तैयार हैं और ये यहाँ कुंड है, कृष्ण कुंड बहुलावन। ये सामने बहुलावन बहुला बिहारी की दर्शन है, बहुला गाय का दर्शन है और काफी बड़ा कुंड है ये। क्या दी आई बाजो तुम्हें लोगो? कलकत्ता और सूरत, पूरे भारतवर्ष से यात्री लोग आए हुए हैं यहाँ। भैया मेरो, आप ये चाय की दुकान कितने समय से लेके चल रही हैं? कम से कम हो गए 30 साल। 30 साल से चाय की दुकान लेकर के चलते हैं और ये यात्रियों को चाय बना करके पिलाते हैं। एक मुकाम से जब दूसरे मुकाम पर पहुंचते हैं ये वैष्णव तो इनको चाय, जूस, फल, ये नींबू पानी की शिकंजी आ गई है। ये हमारे जोगी बाबा हैं जो मथुरा से ब्रज 84 को उसके नक्शे लेके आए हैं, किताब लेके आए हैं जी। बेचते हैं। आप किताब बेचते हैं? अब ये बैठक जी के लिए फल की जरूरत पड़ती है तो ये हर साल फल वाले भी आते हैं। दो तरफ ये कच्चा कुंड है और दो तरफ से ये पक्का कुंड है। आमने सामने के दो पक्के घाट बने हुए हैं जहाँ पर यात्री लोग स्नान करके और महाप्रभु जी की बैठक में झाड़ी जी भरते हैं और